बाद बच्चों आपकी हिंदी की अध्यापिका एक नई कविता के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई है। आज हम अपने परिवेश पाठ्य पुस्तिका की मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कविता प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कविता के कुछ प्रमुख अंशों के बारे में बताना चाहूँगी। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है। उस बच्ची को उन्होंने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया है। कहा जाता है जब सुमित्रा नंदन पंत जी जब जन्म लिए थे, यानी उनके जन्म के ठीक 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी का पालन पोषण उनके दादी माँ के द्वारा हुआ। उन्हें कभी भी अपने माँ का प्यार जो है उन्हें प्राप्त ना हो पाया, इसलिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं अपने माँ के प्रति जो प्रेम था उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें दर्शाने का प्रयास किया है। तो चलते हैं हम कविता की तरफ। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार है, तो चलते हैं कविता का पठन हम साथ में करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो थी कविता। कैसी लगी कविता? उम्मीद करते हैं आपको कविता बड़ी ही प्यारी लगी होगी। अब हम चलते हैं कविता की व्याख्या की तरफ। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है। पहले मुझे आपको ये बताए, जब एक छोटा सा जो बेबी होता है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है? सोचिए, बताइए कौन रखता है उसका ध्यान? बिल्कुल सही, माता जो है उसका ध्यान रखती है। माता उसका ध्यान 24 घंटे रखती है ना? ठीक इसी तरह इस कविता में भी एक छोटी सी बच्ची है जो हमेशा छोटे बनकर रहना चाहती है। वो अपने घर के सभी भाई बहनों में भी सबसे छोटे बनकर रहना चाहती है। वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि छोटे रहने पर बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि माता हमेशा अपना आंचल पकड़ाकर उसे अपने साथ फिराती है और अपने साथ ही रखती है। इसीलिए इस छोटी सी बच्ची जो है वो हमेशा छोटे बनकर रहना चाहती है। दूसरे पद में वो कहती है, माता तुम मुझे बड़ा कर कर मेरे साथ छल करती हो। छल करती हो मतलब मुझे धोखा देती हो, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ या बड़ी हो जाती हूँ तब तुम मुझे पहले की तरह वैसा प्यार नहीं रख करती हो। क्योंकि जब बच्चा छोटे से जब बड़ा हो जाता है, माता को ज्ञात हो जाता है कि अब बच्चा जो है वो सारे काम अपने स्वयं कर सकता है, इसीलिए वो अब माता जो है पहले की तरह उसका ध्यान ज़्यादा नहीं रख सकती है। क्योंकि बच्चे जो है वो अपना सारे कार्य, जैसे कि स्वयं अपना खाना वो खा सकते हैं, अपने कपड़े भी बदल सकते हैं, इसीलिए अब माता को पहले की तरह उतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो छोटी सी जो बच्ची है वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती, वो हमेशा छोटे बनकर ही रहना चाहती है। फिर वो तीसरे पद में कहती है, माता जब तुम मुझे बड़ा कर देती हो, बड़ा करने के बाद ना ही तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती हो, ना ही फिर मुंह पोछती हो, और ना ही जब मैं पहले बाहर से जब खेल कर आती हूँ ना ही मेरे कपड़े को तुम पोछती हो, और ना ही तुम मुझे पहले की तरह खिलौने पकड़ा कर प्यारी प्यारी परियों की कहानी सुनाती हो।
मुझे छोटे ही रहना है, क्योंकि बड़े होकर तो मुझे पहले की तरह तुम मेरा ध्यान नहीं रखती। फिर वो चौथे पद में यानी कि आखिरी पद में वो कहती है कि मुझे इस तरह से बड़ा नहीं होना है, मुझे तो हमेशा तुम्हारा प्यार पाना है, इसीलिए मुझे हमेशा छोटे बनकर रहना है। और फिर वो कहती है कि मुझे वो संध्या होने पर वो चंद्र उदय दिखा देना। वो ऐसा क्यों कहती है? वो इसलिए कहती है क्योंकि वो माता की गोद में निष्प्रिय, मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर के, वो अपने माता के आंचल में वो छुप कर रहना चाहती है। इसीलिए वो कहती है, आपने देखा है ना, जब माता जब बच्चों को क्या करती है, जब छोटे से बच्चों को जब खिलाना या कुछ बहलाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या दिखाती है, चंदा मामा दिखाती है ना, कहती है देखो ये चंद्रोदय है हो रहा है। ठीक वैसे ही वो बच्ची जो है प्यारी सी, वो कहती है कि माता जब संध्या हो तो मुझे वैसे ही चंद्रोदय दिखाना। इसीलिए इस कविता का शीर्षक दिया हुआ है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन की भावनाओं को उस छोटी सी बच्ची के साथ दर्शाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप इस कविता की लाइनों को यानी कि पंक्तियों को भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।